देखिए आज हम लोग क्लास एट का चैप्टर टू देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लास एट का है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। क्योंकि पहला क्लास में मैंने आपको मेटल पर मेटल बता दिया, केमिस्ट्री का एक पेपर, और फिर आपका प्रेशर और फोर्स के बारे में दूसरा पेपर, दूसरा चैप्टर बताया। वो जो है एक फिजिक्स में है प्रेशर फोर्स, और केमिस्ट्री में आपका था मेटल गनपाउडर। अब तीसरा टॉपिक मैंने चैप्टर टू से आप लोगों का पकड़ा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बायोलॉजी का पार्ट है, ये भी फर्स्ट टर्मिनल में आपका आएगा। तो समझ लीजिए बहुत ही सिंपल तरीका से हम इसका नोट्स तैयार किए हैं और आपको समझने में आसानी होगी। पहला है डिक्टेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द लिविंग थिंग्स दैट आर टू स्मॉल कैन बी ओनली सीन यूजिंग ए माइक्रोस्कोप, ईच कॉल्ड ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोवेव्स। ऐसा जीवित प्राणी जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, हमको उसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, वो इतना सूक्ष्म होता है जिसको देखने के लिए, तो उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब देखिए कि ये कितने तरह के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है, कितने तरह के होते हैं। तो देखिए देयर आर फाइव माइक्रो फाइव मेजर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पांच तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों को होते हैं। उसमें पहला है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हम लोग हिंदी में जीवाणु कहते हैं। दूसरा है फंगी, इसको हिंदी में कवक कहते हैं। तीसरा है अलगाई, इसको हिंदी में शैवाल कहते हैं। चौथा है प्रोटोजोआ, इसको हम लोग आदि जीव संघ कहते हैं। और पांचवा है वायरस, विषाणु कहते हैं, इसको विषाणु कहते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक देखिए बैक्टीरिया के बारे में हम लोग जानेंगे सबसे पहले, उसके बाद एक एक करके हम लोग जानेंगे बैक्टीरिया क्या है। तो बैक्टीरिया का हमने हिंदी आपको बता दिया जीवाणु, ये जो है सिंगुलर, इसका जो सिंगुलर रूप है उसको बैक्टीरियम लिखते हैं। सिंगुलर में बैक्टीरिया को बैक्टीरियम लिखते हैं, और ये पूरा रूप है बैक्टीरिया, ठीक है। तो आइए, तो बैक्टीरिया में पहला पॉइंट है बैक्टीरिया आर ए सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया जो है वो एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय, एक कोशिका उसमें होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दे आर लार्जर देन वायरस, ये जो है वायरस से विषाणु से बड़ा होता है, विषाणु से बड़ा होता है। माइक्रोवेव से जब हम लोग देखते हैं तो ये विषाणु से थोड़ा ज्यादा बड़ा साइज का होता है। तीसरा पॉइंट है देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, फर्स्ट इज रॉड सेल, सेकेंड इज स्फेरिकल सेल, और थर्ड इज स्पाइरल सेल। बैक्टीरिया जो है तीन प्रकार का होता है, पहला